नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में बालू की कालाबाजारी की चर्चा जोर शोर से होती रही है। कालाबाजारी की मदद से कई बालू विक्रेता धनवान हो गए तो वहीं आम नागरिक की जेब ढीली कर दी गई है। कालाबाजारी के कारण सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। हालांकि अब बिहार सरकार की यह कोशिश है कि बालू के बढ़ते घटते दाम को देखते हुए सभी जिलों के लिए दाम का निर्धारण कर दिया जाए ताकि कोई भी विक्रेता मनमाने ढंग से पैसों की वसूली ना कर सके। खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पटना जिले में बालू की कीमत प्रति 100 CFT 4027 रुपए निर्धारित की गई है, जबकि भोजपुर में 4000 रुपए प्रति 100 CFT बालू मिल सकेगी। औरंगाबाद और रोहतास में बालू के 100 CFT के लिए 3950 रुपए अदा करने होंगे। इसके साथ ही संपर्क पदाधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, जिसकी मदद से अब जो भी व्यक्ति बालू खरीदना चाहते हैं या दाम से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो वो पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। इसको लेकर खान एवं भूतत्व विभाग ने अपना आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत अब अगर आप औरंगाबाद के रहने वाले हैं तो आप प्रभारी पंकज कुमार से 7294805905 पर कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। वहीं अगर आप भोजपुर के रहने वाले हैं तो प्रभारी आनंद प्रकाश से आप 7549125357 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप पटना के रहने वाले हैं तो आप 9771959633 पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप रोहतास जिले के रहने वाले हैं तो आप गणेश दत्त को 8544412 पर कॉल करके बालू के दाम से जुड़ी जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको इन नंबरों पर कॉल करने में परेशानी हो रही हो तो आप नियंत्रण कक्ष 0612221531 या फिर 2215351 पर कॉल करके बालू की उपलब्धता की सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो पटना में कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से पटना जिला प्रशासन ने बालू की बिक्री के दर के साथ ही बालू बिक्री को लेकर जगह भी तय कर दी है। यानी कि अब दाम तो तय है कि किन किन जगहों पर बालू की बिक्री की जाएगी, इसका निर्णय भी ले लिया गया है। इसके तहत ही अब पटना जिले में 31 जगहों पर बालू की बिक्री करने का फैसला लिया गया, जिसके लिए कुल मिलाकर 13 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसके तहत विक्रम का लहलादपुर, कटारी, जनपारा, निरसपुरा, वीरधार, घोड़ाटोपा, निशांतपुरा, बेहटा प्रखंड के माहौर, पांडे चौक, परेब, मोहनपुर, चिल्ल काटोला, मोहली, कोरिया, अमनाबाद, कटेसर वाली वहीं दुल्हन बाजार के सरैया, राजीपुर और मनेर का पीतला मौजा निर्धारित किया गया है। यानी कि अब एक बात तो साफ है कि सरकार की तरफ से किए गए जगह के निर्धारण के अलावा अब किसी भी जगह पर बालू का भंडारण नहीं हो पाएगा। हालांकि इन सबके बीच कुछ मनमाने विक्रेता भी जरूर सामने आएंगे जो सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेशों का पालन करना जरूरी नहीं समझेंगे। तो ऐसे विक्रेताओं के लिए भी बिहार सरकार ने खास इंतजाम किए हैं, जिसके तहत अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो की ही जाएगी, साथ ही निर्धारित जगह से अलग हटकर बालू की बिक्री करने पर इसे अवैध मानते हुए मुकदमा चलाया जाएगा। इसको लेकर सरकार कितनी सख्त है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बालू की हो रही कालाबाजारी को लेकर जिलाधिकारी ने जिले के सभी थाना अध्यक्ष और अंचल अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए लाइसेंसधारी ही चिन्हित जगह पर बालू की बिक्री कर सके इस बात को सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है। साथ ही बालू का भंडारण और सही दर के निर्धारण के लिए निर्देश जारी करते हुए जहां भी बालू का भंडारण होगा वहां मुख्य स्थल और ई चालान केंद्र पर CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी को बालू का ऑपरेशन के लिए पंजी संधारित करना होगा। किसी भी कीमत पर बिचौलियों को बालू की बिक्री में शामिल नहीं करना होगा, वरना सख्त कार्रवाई हो सकती है। जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि आसमान छूते बालू के दाम में थोड़ी राहत मिल सकती है, जिसके बाद आप और हम जैसे लोग निर्माण कार्य को फिर से करवाने की सोच सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।